आज की खास खबर, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए मरकज तैयार। खबर की चार अहम बातें। मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मरकजी हुकूमत तैयारी कर रही है। सरमाई इजलास में तजवीज पेश की जा सकती है। लद्दाख मरकज के जेरे इंतजाम इलाका बना रहेगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद सदर जम्हूरिया के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आदाब नाजरीन, मैं हूं अब्दुल हई खान और अब खबर तफसील से। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। इत्तलात के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में इस सिलसिले में एक तजवीज़ पेश की जा सकती है। लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका रहेगा। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के नए मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इंतखाबात जीतने के बाद से मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को वज़ीर दाखला अमित शाह और 24 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया था। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए 2019 में लाए गए तंजीम नौ कानून में तरमीम करना होगी। इसके लिए पार्लियामेंट से कानून पास कराना होगा और आईन के सेक्शन 3 और 4 के तहत तब्दीलियां की जाएंगी। लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद इस तजवीज़ को मंजूरी के लिए सदर जम्हूरिया के पास भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिल जाएगा।